हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आया हूं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है वन और वन्य जीव, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भोज पत्र कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शन से अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में और विंध्याचल में। तो इसका सही उत्तर है भोज पत्र हिमालय में मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है बांस से, रेंगाल से, चीड़ की छाल से या पांगर की लकड़ी से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोस्टा, रेंगाल से बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय वन जीवन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन से हैं नई दिल्ली, शिमला, देहरादून और भोपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा उद्यान उत्तरकाशी जिले में है? इसके ऑप्शन से बगजी, बेदनी, दयारा और ऑप्शन डी है बगजी एवं बेदनी। तो इसका सही उत्तर है दयारा उद्यान उत्तरकाशी जिले में है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में। तो इसका सही उत्तर है अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीसा प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से, देवदार से, बुरांस से या शीशम के वृक्ष से। तो इसका सही उत्तर है लीसा चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन सर्वप्रथम चमोली जिले से शुरू हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है, तो ये आपको वर्ल्ड फेमस है गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से रहा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है? इसके ऑप्शन से हैं फूलों की घाटी, बेदनी, दयारा या औली। तो इसका सही उत्तर है बेदनी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? दोबारा सुनिए, राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है? इसके ऑप्शन से हैं भोजपत्र, चीड़, बाण और कंजू। तो इसका सही उत्तर है बाण को शिव की जटा भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? इसका सही उत्तर है वानस्पतिक बगीचा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं? इसके ऑप्शन से सच्चिदानंद भारती, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत और विश्वेश्वर दत्त सगलानी। तो इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? इसके ऑप्शन से रक्षा सूत्र आंदोलन, चिपको आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन या मैथी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है मैथी आंदोलन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया 1957 में, 1958 में, 1959 में या 1960 में। तो इसका सही उत्तर है 1960 में। तो दोस्तों उत्तराखंड की जानकारी देने का मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।